सभी का स्वागत है। और देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहां पे बाइंग या कहां पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आज के मूवमेंट के बारे में बात कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल मैंने क्या बताया था और मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स दिया उस चीज पे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक काफी अच्छा देखिए एक अच्छा खासा देखिए गैप देखने को मिला। अब गैप देखने के बाद होता क्या है कि जिन लोगों ने देखिए इस जगह सीई बाइंग किया होता है वो लोग सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि गैप है, ठीक है। लेकिन जो लोग देखिए इस जगह पीई बाइंग करके गए होते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है, तो जो हमको लॉस हो रहा है उसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा होता है ना काफी बार। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल था जो मैंने आपको बताया था, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अगर इस प्राइस के ऊपर जाता है, इस प्राइस के ऊपर जब भी मार्केट जाता है उस टाइम से आपको एक अच्छी खासी मूव आपको देखने को मिल सकती है। और जब प्राइस मैंने आपको बताया था, इस जगह मैं लिखना भी चाहूँगा इस प्राइस को, बिल्कुल 40,680 का प्राइस था, 40,680। और बिल्कुल देखिए ये ओपनिंग होने के बाद, देखिए ये ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस प्राइस पे आया भी था, यानी जो सीई बाइंग करने वाले जो लोग थे उनको देखिए यहाँ पे बाइंग करने का भी मौका मिला। और इसने जो हाई मारा था ऊपर की साइड, अगर मैं उस हाई की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो हाई आपको देखने को मिलेगा 40,900 के समथिंग का वो हाई देखने को मिलेगा, यानी नीचे के लेवल से आपको देखने को मिलता है 220 पॉइंटों के आसपास का मूव आपको देखने को मिला। अब ये कैसे देखने को मिले भाई, आपके पास इस जगह प्लान था, पूरा प्लान था कि भाई अब मुझे क्या बाइंग करना चाहिए। देखिए अगर आपको एक चीज पता है ना कि आपको क्या बाइंग करना है, अगर आपको ये पता है ना कि मुझे सीई कहां पे बाइंग करना है, तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे पीई कहां पे बाइंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है ना कि मुझे कहाँ पे सीई बाइंग करना है या कहाँ पे पीई बाइंग करना है, तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे बाइंग नहीं करना है। चलिए आपको मैं अपडेट बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बता के गया था। देखिए उससे पहले आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बिल्कुल फ्री है। और चलिए बात करते हैं अपडेट की कि मैं अपडेट आपको क्या देखे गया था। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है उसी लेवल से देखिए आपको सेलिंग देखने को बोला था, फिर मार्केट आपका इसी लेवल के आसपास गया, फिर आपको सेलिंग देखने को बोला, फिर मार्केट आपका इसी लेवल पे गया, फिर सेलिंग आपको देखने को बोला, फिर मार्केट आपका इसी लेवल के आसपास गया और फिर सेलिंग आपको देखने को बोला। यानी टोटल अगर आप देखोगे 1, 2, 3 और 4 ऐसा आपका 4 बार हुआ है कि मार्केट आपका ऊपर की साइड गया है 40,690 के समथिंग और उसी लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट जो आपका पूरा साइडवेज है तो आपको सीई बाइंग करने में मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आपको कैसे बाइंग करना है कि जी आपका 40,690 इसके पास आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, प्राइस को कंसोलिडेट किया, इस जगह मार्केट को रोक रहे हैं और फिर जो ऊपर की साइड निकल गए, यानी सभी ने इस जगह मिलकर कहां पे इस जगह देखे एक अच्छा वॉल्यूम दिया और वॉल्यूम के साथ इस प्राइस को ब्रेक किया। तो जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक करेगा तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी हम किस प्राइस के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा एक हाई बनाएगा, एक कंसोलिडेट करेगा और उस एक पॉइंट पे यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है, उस सपोर्ट पे हम बिल्कुल बाइंग करके चल सकते थे और एक अच्छा मूव हम इस जगह कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अभी भी सवाल आता है कि हमको कल क्या बाइंग करना चाहिए, तो उसके पीछे के टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको हमारा पुराना वीडियो देखना है तो आप उसको जाके भी देख सकते हो। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब देखिए इस जगह मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि मार्केट में हमने समझा कि गैप बनने के बाद भी इसमें एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली, ठीक है, मार्केट में जी आपका काफी अच्छा पॉइंट था सीई बाइंग करने का, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हो क्या रहा है कि 40,900 का जो लेवल हमको दिखाई देता है, इस जगह मैं लिखना चाहूंगा 40,900 का जो लेवल है, अब जी आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। देखिए आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 चार कैंडल ऐसी बनी है जो इसको पार नहीं कर पा रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मार्केट जैसे ही देखिए 40,900 के लेवल को अगर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जब पार कर देता ना,
किस कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे। तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। इसको थोड़ा पार होने दीजिए, इस लेवल को पार होने दीजिए, उसके बाद ही हम इसमें और सीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए इस जगह टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की तो देखिए हम बात कर लेते हैं। इस जगह मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इसको कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकलता है ना तो बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला टारगेट तो देखिए इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो 41,050 का देखने को मिलेगा। फिर आपका देखिए इस जगह दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखिए 41,150 का देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए 41,300 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम अभी भी मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन किसके ऊपर, 40,900 के ऊपर। इसके ऊपर अगर निकलता है जब ही हम बाइंग करेंगे। वॉल्यूम देखिए, देखिए लास्ट का वॉल्यूम देखो, जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट की ताकत है जो देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 1000 लाइक का टारगेट पूरा करोगे तो मार्केट में 1000 पॉइंटों की भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए ये तो बात अलग है, आप लाइक करते हो तो वो चीज़ें हमको अच्छी लगती है और अच्छा देखिए इस जगह हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी सवाल है हमको कमेंट कीजिए। और देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चैन ओपन किया है। ऑप्शन चैन के डेटा पे अगर आप देखो तो काफी इंटरेस्टिंग देखिए यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस जगह 40,900 के लेवल पे, किसकी बात करते हैं, 40,900 के लेवल को। अब इस जगह 40,900 का लेवल पे अगर हम बात करें तो इस लेवल के देखिए थोड़ा ही नीचे देखिए 11 लाख के समथिंग का आपको OI आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम 41,000 पे आ जाते हैं तो इस लेवल पे देखिए आपको और बड़ा OI देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इस जगह अगर मैं बात करूँ तो 24 लाख के समथिंग का आपको देखने को मिलता है। अगर जो इसको पार करता है तो मिनिमम देखिए जो आपको तेजी देखने को मिलेगी वो 200-250 से लेके कम से कम देखिए 350 पॉइंटों की आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड। तो मंदी की अगर हम बात करें तो मंदी आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है, जब तक देखिए मार्केट इस जगह 40,700 के नीचे नहीं जाता। मैंने आपको क्या बोला, 40,700 के नीचे नहीं जाता आपको किसी भी तरीके की मंदी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर देता तो फिर आपको देखिए 400 से लेके आपको 500 पॉइंटों की मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन किस प्राइस के नीचे, 40,700 के नीचे। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, 40,700 के नीचे देखिए आप इस जगह देखिए ना, देखिए 13 लाख के समथिंग का आपका OI दिखाई दे रहा है, फिर 11 लाख के समथिंग का OI आपको दिखाई दे रहा है, फिर 18 लाख के समथिंग का OI आपको इस जगह दिखाई दे जाता है। यानी देखिए मार्केट जैसे जैसे देखिए ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे देखिए इसके नीचे सपोर्ट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक जो सपोर्ट है, जब जब देखिए मार्केट ऊपर की साइड जाता रहेगा, लेकिन हमको ये भी समझना है कि ऊपर के लेवल की रिस्पेक्ट करना है। जब वो पार होगा जब ही हमको बाइंग करना, आंख बंद करके कुछ भी काम नहीं करना है। कि अगर मार्केट गैप के साथ ओपन हो जाता है तो उसमें क्या काम करना चाहिए, तो देखिए गैप के साथ ओपन होता है, जितना देखिए मुझे लगता है कि गैप के साथ ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास मिलता है, जो कि मैं आपको एक जगह लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। देखिए अगर मार्केट आपको देखिए एक जगह 41,850 के आसपास अगर मिलता है तो इस प्राइस पे हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी हम ऊपर के लेवल पे पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब जो प्राइस आपको पता होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो एक दिन में आएगा या दो दिन में आएगा या तीन दिन में आएगा, जब भी ये आएगा आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्राइस आ चुका है, मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है। यानी अभी हम करंट प्राइस से बात करें तो हम करंट प्राइस से 1000 पॉइंट ऊपर की बात करें, अगर 1000 पॉइंट हमको ऊपर के साइड मिलता है तो हम उसी लेवल पे पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए मैंने वही लेवल क्यों बताया, एक तो देखिए आपका इस जगह SL कम हो जाएगा क्योंकि हम टॉप पे बाइंग कर रहे हैं पीई, और जो हमारा लॉस होने का कंडीशन होता है ना वो बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब देखिए हमेशा लोग करते क्या है कि नीचे के लेवल पर वो इस जगह सीई बाइंग नहीं करेंगे, जब मार्केट नीचे होगा बिल्कुल बाइंग नहीं करेंगे। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि FIS और DIS करते क्या है, FIS DIS करते हैं कि भाई नीचे की साइड आता है तो नीचे की साइड हम सीई बाइंग करेंगे, लेकिन जब भी वो ऊपर की साइड आपको मिलता है तो ऊपर की साइड हम पीई बाइंग करेंगे, ठीक है। और इसी चीज को देखिए मार्केट में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो हमने बात किया है कि इस जगह देखिए 41,850 पे अगर मिलता है, मार्केट ओपन ओपन हुआ 41,850 पे, कंसोलिडेट किया और फिर नीचे की साइड आ गए, ठीक है, यानी अपने लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो इसमें हम बिल्कुल पीई बाइंग करके चल सकते हैं 41,850 पे। फिर देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की हम बात करते हैं। इस जगह पहला टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो देखिए 41,740 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें 41,620 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें 41,510 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर ऊपर के लेवल पे मिलता है तो। देखिए हमको लेवल टू लेवल काम करना है, लेवल टू लेवल अगर तक अभी तक आप काम कर रहे हो तो पैसा आप बना रहे हो, लेवल टू लेवल काम नहीं करोगे कहीं पे भी बाइंग कहीं पे भी सेलिंग करोगे पैसा नहीं बनने वाला। अब देखिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं वो ऊपर के साइड बाइंग नहीं करते, वो समझदारी से काम करते हैं, तो उसी लोगों के लिए उन्हीं ट्रेडर के लिए मैं एक प्राइस और बताना चाहूँगा, ठीक है, जो है नीचे की साइड। नीचे की साइड इस प्राइस पे हम क्या बाइंग करके चल सकते हैं, इस जगह देखिए 39,900 पे, 39,900 पे भी हम नीचे की साइड सीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए मैं बताऊं, मार्केट में आपने देखा जो पहले इसने क्या लिया था, इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसने क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने इसको पार किया और एक बड़ी तेजी दिखाया, ठीक है, बड़ी तेजी इस जगह कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू तेजी करने के बाद काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस जगह सीई बाइंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं करने देता, उनका माइंड सेट है ना नहीं करने देता, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस जगह पीई बाइंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है, लॉस करा रहे हैं, कंटिन्यू लॉस करा रहे हैं, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी नहीं वो इस जगह कुछ करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि हाँ भाई अगर मार्केट आपकी बार नीचे आता है तो हम मार्केट को 101% बाइंग करेंगे, यानी सीई बाइंग करेंगे। लेकिन देखिए मार्केट नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, समय बिताने दीजिए और फिर इसके ऊपर की साइड जाएगा। ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मैंने पहले भी बताया था आप सभी को, शायद आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की साइड आया था, कंटिन्यू देखिए मार्केट नीचे की साइड आया था, इस जगह की आप वीडियो जाके देख लीजिए, सभी वीडियो हैं हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद देखिए मार्केट इस जगह कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था, कंटिन्यू कंसोलिडेट इस जगह करता हुआ दिखाई दे रहा था, और कंटिन्यू देखिए कंसोलिडेट करने के बाद देखिए मार्केट नीचे की साइड आपको देखने को मिला था। और इस जगह देखने के बाद देखिए मार्केट में हमने अगर नीचे की साइड सीई बाइंग किया होता तो उसके बाद आप मूव देखिए कितना जबरदस्त मूव इस जगह देखने को मिला, क्योंकि मार्केट आप ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही अगर ये मार्केट नीचे की साइड आपको इस लेवल पे देखने को मिलता है तो इस लेवल पे हम बिल्कुल सीई बाइंग कर सकते हैं। मैं फिर से लिखना चाहूंगा, हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट इस जगह मैं बता देता हूँ। पहला टारगेट तो देखिए 40,050 का देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस जगह देखने को मिल जाता है। दूसरे टारगेट की देखिए अगर हम बात करें तो इस जगह दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 40,150 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो लास्ट टारगेट देखिए जो आपको देखने को मिलेगा वो 320 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद, वंदे मातरम।